हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद कर दिया करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट कर दिया था, आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल देसी माहौल बनाया, चारपाई बिछाई है। और जो ऊपर वाले ये वाला किचन था, इसके अंदर मैंने सोचा कि आज बाहर कुकिंग की जाए। तो आज मैंने ये वाला सिलेंडर यहाँ रख के, ये लकड़ियों वाले चूल्हे के अंदर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा रखा है और इसके ऊपर मैं दाल बॉयल कर रही हूँ। बिल्कुल देसी स्टाइल में मैंने आज बनाया है कि चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी अंदर, यहाँ पर फिर कुछ सुकून है, बैठ के खाना बनाया जा सके। इसलिए मैं सिलेंडर इधर ले आई हूँ, ताकि ये देखिए सारे रैंक मैंने खाली कर दिए और यहाँ पे मैं बैठ के बना। इसके ऊपर छत नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान वगैरह नहीं रखा जा सकता। ये एक स्टैंड जो दोपहर में कल वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, इसके ऊपर गंदों वाले गड्डू रखे हुए थे, वो उठा लिए। ये भी खाली हो गया, मैंने इसे यहाँ ला के रख दिया। ये पहले मैं इंडिया लेके आई थी कि ये वाला चूल्हा, इसके ऊपर ये वाला चूल्हा ना, इसके ऊपर रख के ईंटों पर, फिर ऊपर बड़ी देश की मैं रखूँगी ये दाल बनाना। फिर मैंने सोचा हवा चल रही है, चूल्हा जलेगा ही नहीं, इसलिए मैंने ईंटों को उधर निकाल दिया और ये चूल्हा ऐसे ही रख दिया। देखिए मैं आपको करीब से चूल्हा दिखाती हूँ, देखिए। तो आज का खाना भी यही बनाऊँगी, बाद में सोचूँगी अगर हवा हल्की हुई बाहर। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं कि हवा तेज़ है, अगर हल्की हुई हवा तो फिर मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बनाऊँगी। वो जो चूल्हे हैं ना, ये जो इधर पड़े हैं बड़े सिलेंडर के पीछे, वो इधर रख के ना, जैसे पहले इधर रखे होते थे, तो फिर मैं रोटी भी इधर बनाऊंगी, वरना उधर ही बरामदे में बनाऊंगी। तो आगे जो भी करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरह मैं तुम्हें उस टाइम दिखा रही थी कि मैं इतने खाना बनाया अज, चूल्हे छुले इतने ले आके, देखो रात का टाइम में इतना साफ शायद नज़र ना आवे। सिलेंडर भी रखे हुए इतने, नमक मिर्च मसाले डब्बे पैनाफ्लैक्स में ला दिए थे मैं, अगर उतो रात में बारिश भी आ गई ना, तो चलो मिसाले डब्बे शब्बे तो भीगन गए ना, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो सारा कुछ गीला हो जाएगा। तो खाना शाना से खा लिया, चाय भी सब ने पी ली है। तो बिस्तर में अंदर बनाए ने, देख सकते हो भाई अंदर लेटे हुए ने कमरे च, तो मेरा बिस्तर है तो अबू का है। तो और सुबह जिस टाइम होएगी तो जो भी करांगे, तो अज वाले व्लॉग के नाल शेयर करांगे। देखो रात काफ़ी हो चुकी, तकरीबन 9 का टाइम हो चुका है, मैं क्या अज उस तो बाद जो भी काम किया तेरे शेयर करिए। देखो हूँ लाइट सही हुई है तो नज़र आ रहा है, वो देखो सिलेंडर भी उत्थे पे, सारा कुछ उत्थे अजे रखा हुआ है। देखो तो चाय शाय भी मैं इतने बनाई सी, बस रोटी इस जगह पर बनाई सी मैं इन्होंने चूल्हे पर। यह देखो चार पाइया इतने भी खड़ी कर लीतिया इन्होंने चूल्हे तो मैं रोटी बनाई सी। बर्तन शर्तन भी अज मैं वॉश करके रख दिए, अज तबीयत कुछ बेहतर सी, मैं क्या अज वॉश कर ली, नहीं तो काफ़ी दिनों तो ना बर्तन भी मैं उस तरह ही रख रही सा। बस हूँ मैं पाऊँ तो वह लानी हाँ आईडेक्स वगैरह, क्योंकि पाऊँ बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ए देखो जी अबू मेरे ला रहे हैं ते वैक्स आईडेक्स, बल्कि इन्हें ना दर्द में काफ़ी हद तक फायदा रहा है रात में। अबू ऐसा दर्द है, फिर इन्हें तो पट्टी करांगे ताकि रात में ना ये थोड़ा सही हो जाए। दिन में भी मैं लाई से सारा दिन लगी रह गई है। ए देखो फोन तो सोजिश है, रात में ना ये होर इस गलो लाइए कि रात में वो हो जाता है पट्टी के नाल लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है जो ला रहे हैं ना उपर। अब दिखाना आप की ला रहे हैं, वो चक के वहीं देखो जी ए ना है आयोडेक्स इतने सही नज़र आ रही ऐसे कर। चलो वो पट्टी कर दे। अच्छा जी ए वो पट्टी कर रहे ने पाँव दी मेरे दी, ए देखो उंगल ना मसोड़ो बिच, तुहानू मैं दिखावां किस तरह हो रही है पट्टी।
ये देखो एक ग्राह और ला, बस 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 लग रहा नहीं खुल जाती फिर आप। चलो जी पट्टी हो गई है पाँव की, ये वाला बिस्तर गर्म है, इन्हें ऊपर लेके लेटांगे तो फिर रात भर सही रहेगा। गुड मॉर्निंग जी सबनों, सुबह काफ़ी देर दी हो गई सी, बस चाय हूँ बनाने लगी हूँ मैं। ये देखो रात वाले चूल्हे ते मैं चाय रखी हुई है, चाय वगैरह हजे बन दी है। इधर मैं नाल नाल ना झाड़ू वाला काम खत्म कर लिया नहीं, जरा कचरा वगैरह फैलिया है। चाह में बॉयल आ चुके। अच्छा जी सुबह नाश्ता वगैरह करने तो बाद मैं सारे सफाई की थी, इतने जो मशीन पई से वो भी मैं चक के रख दी थी क्योंकि हजे कपड़े सिलाई नहीं होंगे, तो मैं मेडिसिन लैन चली हूँ। सानू तो काफ़ी देर हो जाने, तकरीबन रात के 11-12 बज जाने, ऐसे को मैं सारी चीज़ें समेट के जा रही हूँ। देखो इतने मशीन वगैरह भी चुक दी, तकिए इस पास कर दिए, यह चार पाइया खाली कर दी क्योंकि उस छत टपकन का डर है। अज दो तीन दफा बारिश आई है, पिछों हल्की फुल्की आई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर साढ़े पिछों आ गई तो फिर मसला बन जाना है, इसलिए सारी चीज़ें मैं अंदर रख के इन्हें सैट कर दिता। कपड़े भी सारे प्रेस कर लिया जो मैं कल धोए से, यानी कि सारे काम मालिक की रहमत नाल सिमटा ले है मैं, बस हूँ चलते हैं दवाई लैन। अच्छा जी इधर वाला रूम भी मैं क्लीन कर लिया, सारा साफ सुथरा कर लिया, देख सकते हो शोकेस वाली चीज़ें भी सारिया साफ सुथरी अलग अलग हर जगह अपनी जगह पर पई है, तो बस हूँ किचन दिखाने हैं तुम्हें फिर निकल। उस जगह तो भी मैं समान सारा चक लिया क्योंकि बारिश आई सी ना, तो जहर सू लेट हो जाने रात को मेडिसिन लेके आंदे आया, तो इतों मैं सारा समान चक लिया सी, तो यह मैं चूल्हे साफियाँ वगैरह भी धो दतियाँ, तो चूल्हे छुले इधर आ गए ने, सिलेंडर भी आ गए, बाकी समान इतने झूले च आ गए। तो उम्मीद कर दें तुम्हें अज्ज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा, ऐसे नाल चैनल नू लाइक करो, शेयर करो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नवे व्लॉग ना, उदों तक जी अल्लाह हाफिज़।